नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सचिवालय में प्रवेश को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कोविड महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ सांसद, विधायक और मंत्री ही सचिवालय में एंट्री ले सकते हैं। तो प्रदेश में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सांसद, विधायक और मंत्री को ही सचिवालय में एंट्री की इजाजत होगी। आम लोग इस समय सचिवालय में नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सचिवालय के अंदर इन्फेक्शन न फैले, इसको लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए, आदेश पारित किया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं आपको। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सचिवालय के अंदर सिर्फ सांसद, विधायक या फिर मंत्री ही एंट्री ले सकते हैं। कोई आम आदमी, पत्रकार या कोई बाहरी व्यक्ति इस समय सचिवालय के अंदर नहीं जा सकता। ये आदेश पारित करने का के पीछे की वजह, प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, देश की सूबे की राजधानी देहरादून में संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि सचिवालय के अंदर अगर कोई काम नहीं है तो किसी भी कीमत पर ना जाएं, सिर्फ सांसद, विधायक या फिर मंत्री ही सचिवालय के अंदर एंट्री ले सकते हैं। बाहरी लोगों को सचिवालय के अंदर एंट्री लेने की इजाजत नहीं दी गई है। पंकज गैरोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोरोना को देखते हुए। ये फैसला गलत भी नहीं है। सचिवालय में अगर जरूरत नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि संक्रमण सचिवालय में न फैले, इसको देखते हुए फैसला लिया गया है। बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और कुछ दिनों से ये भी देखा जाता है कि सचिवालय में कर्मचारियों को भी कोरोना पॉजिटिव आए थे और जो हमारे पर्यटन सचिव हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे। जो आनंद वर्धन है वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले, तो इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो देहरादून में ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 1000 से ऊपर मामले यहाँ पे दर्ज किए गए थे, तो इसको देखते हुए ओम प्रकाश चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि अब हर कोई सचिवालय में नहीं घुस पाएगा, केवल सांसद, मंत्री या अधिकारी ही इसमें घुस पाएंगे। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले जो मान्यता प्राप्त पत्रकार थे वो यहाँ पहुंच सकते थे या जिनके सचिवालय के पास होते थे वो पहुंच सकते थे, लेकिन उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। एक समय सीमा दी गई है पत्रकारों के लिए, शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच वो जो मीडिया सेंटर है वहाँ पहुंच पाएंगे, वहाँ वो अपने सूचनाएं संचित कर पाएंगे। लेकिन एक कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है और पिछली बार जब कोरोना के मामले बढ़े थे तो तब भी यही फैसला लिया गया था और इस बार एक बार फिर ये फैसला लिया गया है। जी पंकज, इस फैसले में कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना की लहर देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बावजूद कुंभ चल रहा है और कुंभ से आए लोग कहां कहां जा रहे हैं इसकी भी कोई खैर खबर नहीं है, इसको देखते हुए एक सही फैसला कह सकते हैं इसे? बिल्कुल संतोष, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला, जिस तरीके से आप लगातार मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, 2000 से ऊपर लगातार रोज मामले यहाँ पे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैसला जरूरी था। और जिस तरीके से सरकार ने कल भी फैसला लिया था कि जैसे जो होटल है, रेस्टोरेंट है या फिर सिनेमा हॉल है उनमें 50% उन्होंने एंट्री किए, केवल 50% लोग वहाँ पहुंच सकते हैं, या फिर जैसे स्पा है और स्विमिंग सेंटर है यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दी है, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए हैं। इस तरीके से जो परिवहन है सार्वजनिक परिवहन है उस पर भी 50% के, तो कहीं ना कहीं ये लगातार जो फैसले हैं जो पिछली बार लॉकडाउन में लिए गए थे अब वो दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं कहीं शक्ति की जरूरत है और वो शक्ति अब नजर आ रही है। अगर ये टाइम पर शायद में इतने मामले उत्तराखंड में नहीं बढ़ते। जी पंकज, ये जो फैसला लिया गया है इसे इस तरह भी देख सकते हैं क्या कि लॉकडाउन लगाने की तरफ सरकार बढ़ रही है क्योंकि कोरोना के केसों पर जो लगाम लगनी चाहिए थी वो लगती हुई नजर नहीं आ रही है, ऐसे में क्या बहुत जल्द उत्तराखंड में लॉकडाउन लगता हुआ देखा जा सकता है?
देखिए अभी तक तो जो उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू यहाँ पे किया है, पहले केवल जो नगर निगम क्षेत्र थे वहाँ पे नाइट कर्फ्यू रखा हुआ था रात को 10:30 बजे से और सुबह 6 बजे तक, लेकिन उसके बाद ये पूरे प्रदेश में कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि आज जिस तरीके से बैठक भी मुख्यमंत्री अभी कोरोना मामलों को लेकर और वैक्सीन को लेकर सचिवालय में कर रहे हैं, उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, खासकर जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, देहरादून में जो स्थितियां हैं वो बहुत उनमें लगातार जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही है। अब देखिए आज भी देहरादून में 1,000 से ऊपर मामले सामने आए, हरिद्वार में भी लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है, कि नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, वहां भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते कहीं ना ऐसा एक और अभी भले सरकार ये सामने नहीं बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सरकार कुछ समय के लिए लॉकडाउन करे या फिर वीकेंड में लॉकडाउन करे, कुछ ना कुछ फैसला सरकार को यहाँ पे जरूर लेना होगा। जी पंकज, कर्फ्यू लगा दिया गया उसके बावजूद स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि लोग सरकार की तरफ से जो कोरोना गाइडलाइन पारित की गई है, जारी की गई है, उसको मान नहीं रहे, मनमानी कर रहे हैं? तो जिस तरीके से देखा जा रहा है सरकार भले सख्ती कर रही है, पर खुद लोगों को समझना होगा कि इस समय पे हमें खुद संभल के रहना होगा, खुद हमें कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें ढंग से उपयोग करना पड़ेगा, हमें मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें उसका का प्रयोग करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है वो अभी दिख नहीं रहा, मार्केट में जाओ तो बहुत कम लोग मास्क लेके चल रहे हैं, बहुत कम लोग दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो ये खुद ब खुद लोगों को फैसला लेना होगा कि हमें कोरोना से बचना है, तो कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। जी पंकज, बहुत सही बात कही कि अगर सरकार की गाइडलाइन का पालन ना भी करना है तो अपनी जान की सुरक्षा के बारे में सोचें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर रखें। पंकज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिहरी डैम पर बने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और युवा मामले एवं खेल आयुक्त और राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है। इस मौके पर ITBP के DGSS देसवाल और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और ITBP के वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों स्थानीय निवासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस मौके पर देश सेवा में ITBP के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ITBP के सारे खेलों में गौरवशाली इतिहास और लंबे अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार व उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के टिहरी डैम के इस संस्थान के प्रबंधन और इसको लेकर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया गया है। देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कुंभ मेले में आ रहे श्रद्धालु और साधु संत भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नरेंद्र नगर में बीर बाबा सोरियाला देवता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। साथ ही देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। तो देहरादून से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर CM तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है, बीर बाबा सोरियल्या देवता की पूजा अर्चना की। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण और पुनर्वास निदेशालय का निरीक्षण किया। वहीं राज्य और केंद्र स्तर के सैनिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की। उत्तराखंड की राजनीति में लगातार हमलावर तेवरों के साथ आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही। पार्टी उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में अपनी दावेदारी करते हुए चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए विधानसभा स्तर पर पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया है और कार्यकर्ताओं को पदों की जिम्मेदारी देते हुए चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इसी कड़ी में काशीपुर विधानसभा में भी सैकड़ों लोगों ने अन्य पार्टियों का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपक बाली ने इस मौके पर कहा कि पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में नहीं बल्कि सीधे तौर पर भाजपा से फाइट में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
कहीं भी चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में आमने सामने की टक्कर है। सदस्यता अभियान काफी दिन से चल रहा था और कार्यक्रम सब लगातार चल रहे थे, तो काशीपुर विधानसभा की कार्यकारिणी का प्रथम चरण आज घोषित किया गया है, जिसमें 63 लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं पद के रूप में। तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस जो है कहा जा रहा था कांग्रेस और उसके बीच में, और बाद में कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, और आज तक 3 चुनाव हुए हैं वहां पर जो अब आम आदमी पार्टी के राजनीति शुरू करने के बाद से, और कांग्रेस वहां कहीं नहीं है। इसी तरीके से 2022 का चुनाव बिल्कुल अलग होने जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।